बाबा। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। आज आपकी वजह से मैं बच गया। चलो, पहली बारी से। लेकिन आपने पिता होने का फर्ज तो निभा ही दिया। अरे इस तरह हैरानी से क्या देख रहे हैं? आप ही ने तो बताई थी मुझे वो ट्रिक। भूल गए? क्या कहा था आपने मुझे? आज मेरे पास पिस्तौल होती तो मैं खुद इसे गोली मार देता। थैंक्स पापा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तो आप चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप तो चाहते थे कि मैं जेल चला जाऊं, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, अभी भी वक्त है। जो करना है वो कर लीजिए। मैं इसी तरह आपके सामने आजाद पंछी की तरह उड़ता रहूंगा और कोई मुझे हाथ तक नहीं लगा पाएगा। ए कशिश, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी खुशी तो चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल तुमसे दूर जाने के लिए मानता ही नहीं। अब देखो ना, मुझे तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। और अगर अब भी तुम मेरी कदर ना करो तो बताओ ना, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? क्या करूं कशिश? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे सूजल को तुमसे दूर किया है, लेकिन इससे ज्यादा कोई और क्या करेगा तुम्हारे लिए? That shows how much I love you. Hey, come on, कशिश, रो मत। मुझे तुम्हें रोता देख के अच्छा नहीं लगता। दुख होता मुझे, you know? Hey, तुषार, thanks a lot, buddy. अगर आज तुम नहीं होते ना तो मैं बच नहीं सकता था। इस तरह देखने की कोई जरूरत नहीं। तुषार ने कुछ नहीं किया, इसने तो सिर्फ मुझे इंस्पिरेशन दी है। क्योंकि इसी ने मुझे कहा था कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है और उससे बचने के लिए मुझे कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, है ना तुषार? और बताओ, इससे अच्छी इंस्पिरेशन मुझे और कहां से मिल सकती थी? थैंक्स अ लॉट बड़ी, थैंक्स वंस अगेन। मिलते रहना। बाय कशिश। मॉम, उन सब के चेहरे देखने लायक थे। सबके चेहरे लटक गए थे मॉम, स्पेशली तुषार और कशिश का। मॉम, यू मिस्ड इट यार, यू शुड हैव बीन देयर। स्वयं, मुझे तुझ पर बहुत नाज है। थैंक्स मॉम, लेकिन अभी तो काम आधा हुआ है। अभी तो सिर्फ मैंने उनकी हंसी छीनी है, अभी तो उनसे बहुत कुछ छीनना बाकी है। उस तुषार ने कशिश की सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली थी ना, अब मैं भी देखता हूं कशिश का साथ उसे कब तक खुशी दे पाता है। फिलहाल तो मैंने अपने आप को बचाया है मॉम, लेकिन अब उनका मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने उनकी जिंदगी मौत से बदतर ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी स्वयं शेर के लिए। वाह भाई, आप हर बार मेरी उम्मीद तोड़ते रहते हैं और हर बार की तरह मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरा भाई इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। मगर अफसोस, आप हमेशा मुझे डिसअपॉइंट कर देते हैं। किसी से उसका प्यार छीन कर आप खुशियां मना रहे हैं भाई। यू आर अमेजिंग भाई, पता नहीं आप ये सब कैसे कर पाते हैं। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है वो ऐसा? इसमें गलत ही क्या है? मुझे उस घर से जो मिला है ना, मेरा बेटा उन्हें वो ही लौटा रहा है। काश आप उन्हें समझ पाते मामा। किसी का दिल समझने के लिए खुद का दिल साफ होना चाहिए, इसलिए आप कभी उन्हें समझ नहीं पाए। समझ तो अब मैं तुम्हें रही हूं बेटा, अपनों से ज्यादा तुम्हें गैरों की चिंता है। मामा, वो मेरे लिए गैर नहीं है मामा। याद है मामा, आप ही ने मुझसे कहा था कि अब मैं अक्षत शेरगिल नहीं रहा बल्कि अक्षत गरेवाल बन चुका हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मामा।
अब मैं उन्हीं का बनने जा रहा हूं। बस इतना समझ लेना कि उस परिवार ने आपसे आपका बेटा छीन लिया है। Don't worry, Mom. Don't cry. लिखे कि मैंने दोष। सुजल की मौत सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। ऋषि का हाथ उसकी पॉकेट में और उसमें पिस्तौल है जैसा। अगर मैं उसका कहा हुआ नहीं बोलता तो मुझे वही मार देगा। इसलिए मैंने किसी और का गुनाह अपने सर पे ले लिया। आज उसने हमारे सारे सबूतों को कोर्ट में झूठा साबित कर दिया। अब हम सुजल को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। हम नहीं जीतेंगे, नहीं जीत पाएंगे हम तो शायद कभी नहीं। अपनी उम्मीद को आंसुओं में मत बहाओ कशिश। उम्मीद? कैसी उम्मीद? तुमने देखा ना तुषार, स्वयं ने कोर्ट में सबके सामने हमारे साथ क्या किया। हमारी सच्चाई का एक मजाक बना के रख दिया उसने। जिस इंसान को इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए वो हमारे मुंह पर हंस कर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। सुजल स्वयं की हंसी में नहीं आ रहा कशिश, लेकिन तुम्हारे आंसुओं में हारेगा। वो कोर्ट के उस प्रोसीडिंग में नहीं हारा, लेकिन तुम्हारी बातों में हारेगा। उसे स्वयं ने नहीं हराया, बल्कि उसे तुम हराओगे। जितना मैंने सुजल के बारे में सुना है, जाना है, मैंने इतना जाना है कि जीते जी उसने जो भी चाहा, जिसे भी चाहा, हासिल किया। भले ही मंजिल कितनी भी दूर क्यों हो, भले ही कितना भी वक्त लगा हो, आज सुजल को इंसाफ चाहिए। भले ही देर से सही, मगर उसकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी और उसकी यह इच्छा तुम पूरी करोगे कशिश। बिना रोए, बिना हार माने मैं तुम्हारे साथ हूं कशिश, और अगर तुम मेरे साथ हो तो यकीनन सुजल भी हमारे साथ ही होगा। अरे ऋषि, तुम यहाँ? मैंने तो सोचा था कि तुम अपनी लगान टीम के साथ मेरी जीत की खुशियां मना रहे हो, पर तुम तो यहाँ बैठे हो अपना गम गलत कर रहे हो। लेकिन ये तुम्हें सूट नहीं करता ऋषि, बिल्कुल नहीं। मेरी बात मानो तो वही करो जो आज तक करते आए हो, गर्लफ्रेंड्स घुमाना, एंजॉय करना वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों किसी के रास्ते में खामा खाते हो? आते जाते सिर्फ ठोकर ही लगेगी ना, अच्छा लगता है क्या? जीतना मेरी आदत है ऋषि, और अपने छोटे भाई को हराना, यू नो व्हाट आई फील। स्वयं, पहला प्रूफ बेकार चला गया, इसका मतलब यह नहीं कि हम केस हार गए। लगता है तुम जज के मुंह से सुनोगे तभी मानोगे। कोई बात नहीं, अगली हियरिंग तक का वक्त है तुम्हारे पास। चाहो तो एक बार फिर से ट्राई कर सकते, लेकिन संभल कर, क्योंकि तुम्हारी मॉम एक बेटा ऑलरेडी खो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वो अपना दूसरा बेटा इतनी जल्दी खो दे। वैसे ऊपर तो सबको जाना है ऋषि, लेकिन भगवान ने जो तुम्हारी डेट फिक्स की है मैं उसे बदलना नहीं चाहता।
इसलिए खुद ही समझ जाओ तो अच्छा होगा। चीज़ हेलो कशिश बेटा, मैं बोल रहा हूँ। पापा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं जानता हूँ बेटा इन हालात में वहां सब कुछ कैसा होगा, इसलिए ये कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि पढ़ाते हुए आज मुझे 25 साल हो गए हैं। इसी खुशी में आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा। मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट करोगी तो अच्छा लगेगा मुझे बेटा। मैं चाहता हूँ तुम सब यहाँ आओ। लेकिन पापा। बेटा प्लीज मना मत करना, ये पार्टी तो बस एक बहाना है, असल में कुछ देर के लिए ही सही। लेकिन मैं तुम सबको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, प्लीज तुम सबको आना पड़ेगा, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है पापा, हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू बेटा, बाय। क्या कहा प्रोफेसर साहब ने? मामा पापा ने कॉलेज में 25 साल कंप्लीट किए, उसी खुशी में उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, वो चाहते कि हम लोग सब लोग वहाँ जाएं। लेकिन लेकिन बेटा हम कैसे जा सकते हैं अभी तो वो। मैं जानती हूँ मामा, लेकिन पापा कह रहे थे कि वो हम सबका इंतजार करेंगे। बेटा मेरा मन तो नहीं कर रहा, तुम चली जाना। हाँ कशिश, तुम और महक चली जाना, वरना प्रोफेसर साहब को बुरा लगेगा। मामा बात पापा के बुरे लगने की नहीं है, याद है आपने मुझसे एक बात कही थी कि अगर हम स्वयं की वजह से अपनी जिंदगी जीना बंद कर देंगे तो इसमें स्वयं की जीत होगी, और क्या हम स्वयं को जीतने दे सकते हैं? नहीं ना मामा, हम अपनी जिंदगी भी जिएंगे और स्वयं को भी हराएंगे। मामा सच कहूँ तो मेरा भी मन नहीं है पार्टी में जाने का, लेकिन स्वयं को हराने के लिए हमें अपने दिल से लड़ना होगा, इसलिए हम पार्टी में जरूर जाएंगे। ए चारू आओ अंदर आओ। तुम यहाँ कैसे? स्वयं मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो, बट बिलीव मी मैं तुम्हें गलत नहीं मानती, बल्कि तुम पर लगे इल्जाम को गलत मानती हूँ, कशिश को गलत मानती हूँ, उन हालातों को गलत मानती हूँ जिनमें तुषार जैसा दोस्त तुमसे छिन गया। कितना अच्छा लगता था तुम दोनों को साथ देखकर, लेकिन अब उतना ही बुरा लगता है जब मैं उसे कशिश के साथ देखती हूँ। स्वयं तुषार डिजर्व समवन मच मच बेटर। समझ में नहीं आता क्यों कशिश ने तुषार को भी अपने फायदे के लिए। चारू आई थिंक तुम तुषार को कुछ ज्यादा फेवर कर रही हो, ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता? कम ऑन चारू बताओ मुझे। जस्ट आई फील तुषार के साथ गलत हो रहा है। वो सब तो ठीक है चारू, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो उसके अलावा तुम्हें किसी और चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रही? बताओ चारू, क्या हम दोस्त नहीं हैं? स्वयं तो फिर बताओ मुझे, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो। स्वयं आई थिंक आई फील फॉर तुषार, मैं उसे पसंद करने लगी हूं। क्या? लेकिन तुम कब से तुषार के लिए फील? पता नहीं स्वयं ये सब कब हो गया, कब मैं उसे पसंद करने लगी, लेकिन अब जब सोचती हूं तो लगता है कशिश उसे भी मुझसे छीन रही है, और मैं ये नहीं चाहती। स्वयं कुछ करो प्लीज, प्लीज डू समथिंग। रिलैक्स चारू, डोंट वरी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। Thank you.
कंग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू बेटी। देखिए पापा सब लोग आ गए। आइए आइए प्लीज। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। मेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सीजी साहब। सिन्हा साहब सक्सेस मुबारक हो। इसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत है। थैंक यू ललित जी। ये 25 साल पूरे करने से ज्यादा तो मुझे आप सबके यहाँ आने से खुशी हो रही है। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू बेटा। एंजॉय द पार्टी प्लीज। चलिए लेट्स हैव अ ड्रिंक। पापा मैं भी आई। ओके बेटा। तुषार अच्छा वहां मिस पार्टी में है। पापा कितने खुश दिखाई दे रहे थे ना। मैं भी आई। तुषार बेटा। जी बेटा कई दिनों से तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। मैं आए? जी पूछिए ना। बेटा मैं जानता हूं तुम कशिश से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम पर पूरा विश्वास होने के बाद भी बाप होने के नाते एक डर हमेशा मन में रहता है कि क्या कशिश खुश रहेगी। देखिए मैं आपका डर समझता हूं, लेकिन मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा जो आपको सिर्फ तसल्ली दे। अगर मैं अपनी खुशी चाहता हूं तो यकीन मानिए कशिश भी खुश रहेगी, क्योंकि कशिश की खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू वेरी मच। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक्सक्यूज मी। अरे तुषार तुम अकेले हो यहाँ पे? कशिश कहाँ है? कशिश अभी आ रही है। मैं अभी आती हूँ। बाय मामा। तुषार क्या बात है चारू? Are you upset? कहीं दी से कुछ? I'm absolutely fine. No चारू, you're not fine. कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम तुषार से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है। क्या कहना चाहती हो तुम तुषार से? सूजल जीजू के बारे में, दी के बारे में, what? मैं कशिश दी के बारे में क्यों बात करूंगी कनन? उन्हीं की वजह से तो तुषार भी मुझसे। So I was right. मेरा अंदाजा ठीक था कि तुम तुषार से। प्लीज कनन लीव मी अलोन। नो चारू, चारू क्या ये सही है? तुषार दी से प्यार करता है, दोनों शादी करने वाले हैं। शादी होने वाली है ना कनन? हुई तो नहीं, और वैसे भी कशिश दी की तो स्वयं से भी शादी होने वाली थी, अक्षत से भी। चारू तुम ऐसे। कनन मैं तुषार और कशिश दी की शादी होते नहीं देख सकती, बिकॉज आई लव तुषार। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।